हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यही चीजें चेक करने जा रहे हैं व्यूअर्स, कि इस फुल मून का इफेक्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी सोच पर, आपको लेकर, आपसे जुड़ी हुई रिश्ते को लेकर क्या पड़ रहा है। क्या ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, एग्रेशन में है, गुस्से में है मतलब, या फिर नाराज है, इस चीज को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। और सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, इस चीज को मेन यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ी हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लेंगे, और कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये फुल मून की रीडिंग देखने जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं अपनी नई सुबह के साथ ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए फुल मून का इफेक्ट व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नरिशमेंट, प्योरिटी, प्लेजर, हंगर, ग्रोथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए फुल मून इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड पे क्या पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, the answers you need are coming, don't let your past hold you back, expect powerful change। तो व्यूअर्स, मैं आपको अभी कुछ नंबर्स बताने जा रही हूँ। राशियां यहाँ पर जो मेन मुझे दिखाई दी अभी, वो एक्वेरियस, जेमिनाई दिखाई दी है, और वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, और राशियां मैं आपको जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन आपके सामने रखूंगी। नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 7, 33, 18, 9, 29, 11, 2, 5। मंथ की अगर बात करूँ तो जुलाई, मार्च, सितंबर, नवंबर, फरवरी एंड मई मंथ, तो ये मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है व्यूअर्स, जैसे बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था ना इनके साथ, कि इन्हें इस रिश्ते में कुछ दिख नहीं पा रहा था, कोई उम्मीद ये पर्सन रख नहीं पा रहे थे, या जब ये उम्मीद रखते थे तो इनकी उम्मीद तुरंत से टूट जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से ये पर्सन इस चीज को खुद से अपने अंदर मौजूद होते हुए पा रहे हैं कि बदलाव जो है वो आ सकता है, और उस बदलाव पर ये यकीन करें। बदलाव यहाँ पर इनकी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आएगा, बदलाव उस वे में आएगा जिस वे में इनकी जिंदगी में ग्रोथ होगी, अबेंडेंस होगी, लेकिन बदलाव जरूर से आएगा। लेकिन उसके लिए इन्हें उस चीज पर बिलीव करना चाहिए, उस चीज को लेकर एक्सपेक्टेशंस अपनी स्ट्रांग बनाए रखनी चाहिए। तो एक ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की यहाँ पर, जैसे अभी तक इन्हें जितना ज़्यादा ये लग रहा था कि आप दोनों के कनेक्शन में अब प्यार नहीं आ सकता, बहुत सारी चीज़ें मैसी हो गई हैं, उलझ गई हैं, तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर अपने आप से
ये फील कर रहे हैं कि नहीं, प्यार अभी भी इस रिश्ते में आ सकता है, अभी भी प्यार आने की बहुत सारी गुंजाइश है, वो नरिशमेंट जो इस रिश्ते को देने की जरूरत थी जब ये नहीं दिया, वो अगर ये इस रिश्ते को फिर से देते हैं तो डेफिनेटली वो प्यार इसी रिश्ते में जिंदा हो जाएगा। और यहाँ पर इवन जैसे मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, इस इंसान ने एक वक्त पे आप पे डाउट्स करे, आपके प्योरिटी को, आपकी लॉयलिटी को, आपकी ऑनेस्टी को एक वक्त पे संसार ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सूली चढ़ा दिया, या उसे अग्नि परीक्षा देने के लिए इन्होंने छोड़ दिया ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से समझ पा रहे हैं कि अपने गोल के काफी करीब पहुंच गए हैं या गोल इनका अचीव हो गया, यानी कि जिन जिन परीक्षाओं से इस इंसान ने आपको गुजरने के लिए बोला था वो परीक्षाएं जैसे मानो आपने पास कर दी, उन सभी परीक्षाओं को लेकर इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि भाई आपसे ज्यादा प्योर इंसान इन्हें यहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इन्हें इनके सवालों के जवाब जैसे मानो खुद ब खुद मिलते जा रहे हैं, और वही सवाल इस इंसान को एक नई खुशी के साथ यहाँ पर फील हो रहे हैं, यही सवालों के जवाब इस इंसान को अपने पास्ट को होल्ड करे रहने के लिए ने यहाँ पे बोल रही है, या उस पास्ट के लिए भूखे ये पर्सन जैसे हो रहे हैं या इनकी भूख बढ़ रही है, तो वो फीलिंग या वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का इनकी नई सुबह के साथ दिख रहा है। बहुत ज्यादा ये पर्सन ना आपको लेकर नीडी हो रहे हैं, इन्हें आपकी जरूरत है, आपके ना होने से फर्क पड़ रहा है, आप एकदम सही थे, आप गलत नहीं थे, या आपको लेकर जो भी डाउट है वो गलत थे, आप सही थे, ये सभी चीजें इस इंसान को इस रिश्ते में बस किसी तरह से मिरेकल हो जाए उस तरह की इनके दिल में इच्छाओं को यहाँ पर उठा रहे, वो इच्छाएं जिसे कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने सवालों के नीचे दफन कर दिया था, दबा दिया था, और वही यहाँ पर जैसे जैसे जवाब आकर मिल रहे हैं वैसे वैसे इनकी इच्छाएं इस रिश्ते में बदलाव लेकर आने की भी इन्हें बोल रही हैं। चलिए मैं आपको और चीजें व्यूअर्स टैरो के माध्यम से बताती हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस पर, व्यूअर्स को लेकर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से असर पड़ रहा है, गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका प्रिंसेस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा, वैसे यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट भी है, टू टू एसेस की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पर जितना ज्यादा दिल में इस चीज को लेकर क्लैरिटी चल रही है ना कि इन्हें अपनी जिंदगी में वापस से वो प्यार लेकर आना है, वैसे वैसे इस इंसान की जो तलाश है वो इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है, तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है अपनी नई सुबह के साथ। इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर कई बार चेक करा है, या फिर आज दिन भर ये पर्सन आपको कई बार चेक भी कर सकते हैं, वो बात और है आपने अब अपने आप को कितना सोशल मीडिया पर अवेलेबल रख रखा है, खोल रखा है, या फिर आपने अपने आप को बंद किताब बना दिया है, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अपने दिल की मन की क्लैरिटी के चलते ये पर्सन आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे। उसके पीछे का मेन कारण ये भी बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अकेले नहीं, आपको साथ लेकर, आपके साथ चलकर, यहाँ पर ये पर्सन अकेले नहीं जा रहे हैं और बल्कि यहाँ पर साथ भी चल रहे हैं, तो विद क्लैरिटी, जो भी डाउट्स इन्हें आप पर थे, जो भी शक इन्हें आप पर था, या जो भी चीजें यहाँ पर गलत हुई थी, वो सभी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने के साथ ये पर्सन अब इस सिचुएशन जो अब आप दोनों के दरमियान चल रही है उसको खत्म करके मूव करने की इच्छा ये पर्सन लिए बैठे हैं, और दिन भर भी ये जैसे लिए बैठेंगे। इनके दिल में बार बार बस एक ही चीज उठने वाली है और उठ भी रही है कि अब इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत करेंगे, ये ऐसी शुरुआत होगी जो इन्हें लॉन्ग स्टेबिलिटी देगा या दूर तक ही रिश्ता लेकर जाएगा। ऐसा रिश्ता तो ये चाहते नहीं है जो आज है और कल नहीं है, परसों है और तरसों नहीं है, तो ये सभी चीजों को लेकर ना एक ऐसी एनर्जीज इनकी नई सुबह के साथ भी और दिन भर भी रहेगी कि अब बस इन्हें चाहिए, तो जो चीजें आज में क्लियर हुई है ना वो चीजें अब यहाँ पर रियालिटी में लेकर आई जाए, उन चीजों को लेकर बजाय किसी
तरह का डाउट करने के, अब जब चीजें क्लियर हुई है तो उन चीजों को सॉलिड वे में फिक्स कर दिया जाए, तो उस तरह की इनकी फीलिंग यहाँ पर बन रही है या उस तरह से असर इनके ऊपर इस फुल मून का व्यूअर्स यहाँ पर उठ रहा है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने जैसे कल रात इन्हें मैनिफेस्ट करा है, या इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट करा है अपनी क्लैरिटी होने के चलते, तो ये भी चांसेस हैं। अगर आपने कल रात नहीं करा तो आप आज रात जरूर से इन्हें मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए प्योरिटी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स पर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। एक, दो, तीन एंड चार। देखो बेसिकली मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहने के चलते काफी ज्यादा आपको लेकर रूड रफ हो गए थे, या फिर थर्ड पार्टी में रहने के चलते इस इंसान ने बजाय आपकी प्योरिटी को समझने के, इस इंसान ने आपकी प्योरिटी पर डाउट करके उसे शक के घेरे में डालकर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करना उचित समझा। क्योंकि उस वक्त पे इस इंसान का सारा या मैक्सिमम फोकस उस थर्ड पार्टी की संगत पर, उसके साथ पर पड़ रहा था, लेकिन इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर अपने काफी ज्यादा करीब आपको पाएंगे, या आप इनकी जिंदगी का वो गोल बनोगे जिसे ये अचीव करना अपने तहे दिल से चाहेंगे, जिसकी प्योरिटी पर, सच्चाई पर डाउट करा। कहीं ना कहीं वही सभी चीजें इन्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हुई खुद से फील होंगी, जिसके चलते ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकल कर यहाँ पर या उसके साथ को सरेंडर करके आपकी तरफ अपना एक अलग से रुझान, एक अलग से अपना झुकाव ये आपकी ही तरफ महसूस करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो वो मुझे इनकी इनके फुल मून के असर की वजह से दिख रहा है। पास्ट से जुड़ी हुई हर याद इस इंसान के आगे जैसे आकर खड़ी हो रही है, और वही चीजें आपकी सच्चाई को इस इंसान के सामने चिल्ला चिल्ला कर जैसे बोल रही है या बोलेगी, तो वो मुझे एनर्जीज यहाँ पर इनकी दिख रही है। यहाँ पर इस इंसान ने शक बहुत करे हैं, और शक के चलते इस इंसान ने यहाँ पर ना अपने आप को पत्थर भी बनाया और आपके साथ के रिश्ते को उन्होंने सरेंडर भी करा है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है एरीज, मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखा, और वाटर एलिमेंट तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे व्यूअर्स, ठीक है। फुल मून के इफेक्ट की वजह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन को आखिर किस तरह के सवालों का जवाब अब मिल पा रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को किस तरह के अपने सवालों का जवाब मिला। 1, 2, 3 एंड बॉटम 4, 7 of cups, हर्मिट, द वर्ल्ड एंड 6 of pentacles। बेसिकली भ्रम तो इस इंसान को ये हो गया था कि जो चीजें इन्हें मिल रही हैं वो उन चीजों के हकदार ये हैं, या वो चीजें इनके नसीब में हैं। ये उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, वो सभी चीजें इन्हें इसीलिए मिल रही थी क्योंकि आप इन्हें दे रहे थे, या आपके होने की वजह से इन्हें वो चीजें मिल रही थी। आप इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ देने में बिलीव कर रहे थे या दे रहे थे, या एक ऐसे रिश्ते में भी आप इन्हीं की वजह से थे जिसमें आपको ही देना पड़ रहा था, लेकिन ये पर्सन इस भ्रम में आ गए कि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, फिर इन्हें आपकी क्या जरूरत, आपके प्यार की क्या जरूरत, आपके साथ की क्या जरूरत। ये भूल बैठे थे, भूल गए थे, या जान नहीं पा रहे थे, या इन्हें इस चीज का सवाल का जवाब नहीं मिला था कि ये सभी चीजें आप ही की परछाई है, आप ही की इमेज है, आप ही के होने से है। तो इन्हें इनके इस सवाल का जवाब व्यूअर्स यहाँ पर मिला है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं इंसान को काफी वक्त भी लगा, और ये सवाल का जवाब इन्हें तभी मिला जब ये अपने आप में ज्यादा रहे। इस सवाल के जवाब के साथ ही इस इंसान को ये चीजें भी समझ में आई, आप इनकी दुनिया हो, दुनिया बन गए थे, दुनिया बना सकते हो, यानी कि आपको लेकर इनका सिर्फ एकमात्र ही डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है या नहीं होगा, इनके बहुत सारे डाउट्स आपको लेकर क्लियर होंगे। आप डेफिनेटली इस इंसान
कि एक साइकिल को पूरा कर रहे थे या आपके होने की वजह से ही इनकी जिंदगी में प्लेजर्स थे। ये सभी चीजों को लेकर जो भी इनके मन में डाउट्स थे वो यहाँ पर इस फुल मून के फैक्ट की वजह से क्लियर होंगे। मुझे आपके पार्टनर के जेमिनी होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं और इसी रीजन के चलते थोड़ा सा ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का रोल अपनी जिंदगी में ज्यादा प्ले करते आए हैं। पल में तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको प्यार दिखा रहे हैं, पल में तो एक्सट्रीम लेवल पर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपसे बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो अगले ही पल में आपको अपनी वो एक्सट्रीम लेवल पर नफरत, डाउट्स, टॉक्सिसिटी ये सब का भी ये पर्सन आईना दिखा रहे हैं। तो उस तरह की मुझे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखी है। हंगर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी है, स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए हंगर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। 1, 2, 3, 4 टेन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट है। बेसिकली ये पर्सन अपनी इस परिवार के लिए, जो परिवार इन्हें आपसे मिला या आपसे मिल सकता था, उसके लिए काफी ज्यादा भूखा जैसे होते हैं ना इंसान, उस तरह से फील कर रहे हैं या उसके लिए फैसला लेने की इच्छाएं इनके दिल में बहुत बार उठ रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को इनका पास्ट, इनका अतीत यहाँ पर रोकना चाह रहा है। वो पास्ट जो कहीं ना कहीं इनके परिवार से जुड़ा हुआ है या जिस परिवार की वजह से इन्होंने आपको अपनी जिंदगी से जाने दिया, आप पर डाउट्स करे, आपकी सच्चाई और प्योरिटी पर डाउट करे, तो ये चीजें ने काफी कंफ्यूज्ड तो कर रही है। लेकिन गुड थिंग इज कि यहाँ पर ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आप के हक में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के हक में फैसला लेने के लिए अपने आप से, खुद से अपने आप को काफी ज्यादा नीडी बनते हुए पा रहे हैं। इन्हें पता है कि ये जितना ज्यादा अपने फैमिली से जुड़े हुए अतीत को अपने आज में लेकर आने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं उतनी चीजें इनकी ग्रोथ को रोकेगा, इनकी जिंदगी में आने वाले चेंजेस को, बदलाव को जो ये अब चाह रहे हैं उसको रोक देगा। तो ये सभी चीजें आपके पार्टनर के मन में यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, काफी ज्यादा। ग्रोथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी। लवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो बेसिकली जेमिनाई अगेन आया है, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। इस इंसान के दिल में बार बार यहाँ पर ना इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आने की, इस रिश्ते के करीब आने की, इस रिश्ते में आपको छूने की, महसूस करने की इच्छाएं जागी हैं। इन्हें पता है कि अब अगर इनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा तो वो सिर्फ आपसे होकर ही इनकी ज़िंदगी में आएगा, जिस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मन में एक झिझक भी है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई हैं जो इस इंसान को आपके सामने नहीं आने दे रही हैं या अपना मुँह छुपाने के लिए इन्हें ज़्यादा बोल रही हैं। तो इसी रीजन के चलते थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जिस पैशन के साथ, जिस एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर इनके पैर जैसे मानो पत्थर की तरह यहाँ पर जम रहे हैं या उतना ज्यादा पैर इनके बर्फ की तरह यहाँ पर जम रहे हैं, जिस चीज से ये पर्सन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स से स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। तो पहला आपसे कहना चाह रहे हैं आई लव यू, ये आपसे प्यार करते हैं, इवन कहना चाह रहे हैं बहुत खूबसूरत हो, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, ये चीजें समझ भी गए हैं और कहना भी चाह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जैसे मानो आप इनके स्वर्ग हो, आई एम एडिक्टेड टू यू, और यही चीजें इस इंसान को आपके लिए हद से ज्यादा एडिक्टेड फील करा रही हैं, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, यही चीजें इस इंसान को आपके साथ अगेन एक रिश्ते में आने के लिए इन्हें बोल रही हैं, जो ये पर्सन आपसे भी कहना चाह रहे हैं। लेकिन डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, वो चीजें मैं रोमांस एंजल से देख रही हूँ इस रिश्ते के रिगार्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
डिवाइन मुझे बताइए, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर बताइए, इस कनेक्शन में क्या होना है, क्या होगा इस कनेक्शन का। स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। पास्ट लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड कैरियर, रिलीज योर एक्स एंड मेक द एफर्ट। देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अतीत की वजह से, जो आपके साथ हुई है अतीत में, चाहे आपका कोई पास्ट पर्सन हो उसकी वजह से हो, या फिर जो भी पास्ट में इनके साथ हुआ है उसकी वजह से हुआ हो, उस वजह से आपकी जिंदगी में ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं व्यूअर्स, और आपको उन ब्लॉकेजेस को यहाँ पर खत्म करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, जब तक आप उन ब्लॉकेजेस को, चाहे वो पास्ट पर्सन की वजह से हो या पास्ट में इनके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई हो, तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, और उसके अलग ये भी आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि देखो आप दोनों का ये जो भी कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसमें आप ऐसा नहीं है इस लाइफ में ही एक दूसरे को जाने हो, पहचाने हो, या इस लाइफ में ही आप दोनों की मुलाकात हुई है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन है व्यूअर्स, इसी रीजन के चलते यहाँ पर ना आप दोनों के इस कनेक्शन में जो भी एफर्ट्स डालेंगे वो यहाँ पर डेफिनेटली कामयाब होंगे, नाकामयाबी का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन सभी चीजों को करने से पहले ना, पहली चीज आपको एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे कुछ मेरे को ना यहाँ पे कमेंट लिख रहे थे, इतने टाइम से देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ, क्या आपने देखने के बाद अपनी साइड से अपने लेवल पर कोई एफर्ट डाला? अगर आप वेट भी लूज करते हो, आपको वेट भी कम करना होता है, तो आपको पता है दिन रात एक करना पड़ता है, डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना पड़ता है, मीठा भी नहीं खाना पड़ता, मतलब सिर्फ मात्र वीडियो देखने से वेट आपका कम नहीं होना है ना, आपको एफर्ट्स डालने हैं। सेम ऐसा ही है कि आपने वीडियो देखी लेकिन अब एफर्ट्स तो आपको भी डालने हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ब्लॉकेजेस हैं, तो आप उन पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको उन पर काम भी करना होगा, अपनी तरफ से दूसरे पर्सन की तरफ हीलिंग वाइब्रेशन भी सेंड करनी होगी, अपने आप से प्यार करना भी सीखना होगा, अपने फाइनेंसेस पर, अपने कैरियर पर वर्क भी करना होगा। जिंदगी में अगर कुछ टफ फेज आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो यूं ही आ जाता है, वो सिखाने के लिए आता है। इवन अभी मैं किसी के लिए कमेंट देख रही थी, आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ क्या? भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी भी जिंदगी आसान चल रही है, सबकी जिंदगी में अपने अपने लेवल पर प्रॉब्लम्स, दिक्कतें चलती हैं। इस चीज को ऐसा मत सोचिएगा कि भाई आप ही की जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, सब लोगों, यहाँ पे जो पृथ्वी लोक पर लोग हैं ना, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में सीखने के लिए आए हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, तो आपने वो जागरण में वो तारा रानी की कथा सुनी हो तो सुनो फिर से, अगर आप भूल गए हो, और अगर आपने नहीं सुनी तो आप उसे सुनो, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब आपको यूं ही मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, काफी लोगों के साथ हो रहा है। रही बात इस पर्सन की पास्ट लाइफ, आप दोनों के बीच में कनेक्शन है जिसके चलते अभी यहाँ पर आप दोनों का मिलना है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्हें माफ नहीं करते हो या इन चीजों से आप सीखते नहीं हो तो आपका मिलन हो जाएगा। जब तक माफ नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक यहाँ पर मिलन होने में डिलेज होंगे या ब्लॉकेजेस आएंगे। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड ये सब नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर पाए, तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।